सेकेंड ईयर के एंड में मुझे किसी ने बताया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसी कोई चीज़ होती है लोग को, कुछ मेरे अच्छा दोस्त वगैरह करते थे कोड शेफ, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसा होता है। मेरे को लगा यार ये तो बड़ा झंझट वाला चीज़ है, मतलब इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं इन्वॉल्व हैं ये तो, मतलब वो चीज़ मैं कर रहा था वो ज़्यादा सिंपल थी। अजीब अजीब तरीके के एरर्स आने लग गए TLE NZDC इन सब पे, तो मैंने बोला ये तो बेकार चीज़ है। इवन मुझे याद है कि मेरी मतलब ऐसे ऐसी हालत आ गई थी कि मैं 1.8 LP की कंपनी तक में मैंने अप्लाई करा था MCAT से, एंड आई डिडंट, मैं वहाँ से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। मतलब 4 साल बहुत होते हैं, मतलब ये मैंने समझ गया, 4 साल इज़ मोर देन इनफ। आप डेवलपमेंट कोडिंग आराम से बैलेंस कर सकते हो चीज़ें, कोई बिल्कुल फाइट नहीं है, मतलब बहुत इजीली। कॉलेज के बाद आप निकलोगे ना तो आपको चीज़ें सीखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि यार मुझे 10 दिन मिल जाए मैं ये चीज़ मतलब पढ़ लूँगा, और आपको फिर लगेगा कि 4 साल थे कॉलेज में मेरे पास, मैंने क्या किया उसमें। हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश एंड वेलकम टू कोडिंग निंजास। सो यार लाइक ऑलवेज वी हैव एन एब्सोल्युटली अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग स्टोरी टू शेयर विद यू टुडे। वी हैव चिराग विद अस। चिराग इज फ्रॉम अ टीयर थ्री कॉलेज है ना, एंड लाइक जनरली जो टीयर थ्री कॉलेज में होता है बहुत ज़्यादा अच्छा कल्चर नहीं है आसपास प्रोग्रामिंग का, एंड हमने जो बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं सीखा है इतना ज़्यादा कॉलेज के अंदर, बट ही डिडंट अलाउ दैट टू स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग टू अमेजिंग कंपनीज। चिराग रिसेंटली इज गोइंग टू ज्वाइन, लाइक अभी भी ज्वाइन करने वाला है RCZM के अंदर, राइट? एंड RCZM इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट कंपनीज दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ ट्राई एंड गेट इन टू, एंड बट इट हैज़ नॉट बीन एन ईजी जर्नी। पहले हमें एक जॉब ऑफर मिला बट हमें लगा हम थोड़ा बेटर चाहते हैं, फिर उसके बाद हमें इन्फोसिस, एमडॉक्स, ऐसे कुछ कुछ हमें आपके पास ऑफर्स थे, हमने वहाँ पे ज्वाइन भी किया, बट लाइक ही सॉर्ट ऑफ केप्ट गोइंग फॉर इट, केप्ट गोइंग फॉर इट कि नहीं यार और बेटर चाहिए और बेटर चाहिए, राइट? लाइक एंड दैट सॉर्ट ऑफ इवेंचुअली आई थिंक लाइक नाउ ही विल बी सॉर्ट ऑफ फीलिंग कि यार अब कुछ बढ़िया हो गया है, अब मैं खुश हूँ, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा टाइम लगा के अपनी जर्नी को स्टार्ट करूँ, राइट? सो हाई चिराग, वेलकम टू कोडिंग निंजास। हेलो सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट वॉज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी टू हैविंग इंटरेक्शन विद यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब जिनसे मैंने सीखा है आज उनसे मेरी बात हो रही है, और आई एम रियली हैप्पी कि आज वो दिन है कि मतलब मैं अपनी जर्नी शेयर कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरा भी मन था, मैं भी बहुत लोगों की जर्नी सुनता था तो मेरा भी मन था कभी लाइक मैं भी आऊँ यहाँ पर, एंड टुडे इज़ लाइक दैट डे, सो थैंक यू सर। आई एम रियली रियली ग्लैड टू टॉक टू यू, एंड ये मैं सबको बोलता हूँ, राइट? लाइक कोई भी आके मुझे बोलता है ना कि मुझे थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस आ रहा है या मैं क्या करूँ, तो मैं उन सबको यही बोलता हूँ कि बस तुम मुझे एक प्रॉमिस कर दो कि तुम मेरे साथ एक स्टोरी बनाओगे ऐसी, उसके लिए तुम ऐसा फोड़ोगे कि मैं लाइक आई सॉर्ट ऑफ हैव टू टेल यू कि यार प्लीज आ जाओ रिकॉर्ड कर लो मेरे साथ एक वीडियो। आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू डू दैट विद यू एज वेल। सो सही है। सो चिराग बताओ मुझे थोड़ा सा अपने बारे में, राइट? लाइक कि हम कौन से कॉलेज में गए एंड कैसा था फर्स्ट ईयर, कैसा गया, हमने 11th 12th में कोडिंग थी या नहीं थी, तो इनिशियल सॉर्ट ऑफ जर्नी के बारे में बताओ अपनी। हाँ, तो 11th 12th में मेरा मतलब था, 12th में सब्जेक्ट था C++ बेसिक, बट तब मेरे को इतना नहीं आता था। बेसिक मैंने ऐसे बोर्ड्स के प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ा था, और शुरू से इंटरेस्ट तो था कंप्यूटर्स में ही, बचपन से ही था कि पता था कि कुछ करना है तो कंप्यूटर्स में ही करना है। देन मैंने फिर इंदौर का एक कॉलेज था, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने बीटेक करी। एंड फर्स्ट ईयर मेरा, क्योंकि मैं पहली बार घर से बाहर निकला था, तो फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे दोस्त वोस्त बनाए और कॉलेज के जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स थे उसी में फॉलोअप किया मैंने, वही पढ़ा। और जब फर्स्ट ईयर मेरा एंड हुआ तो जो मेरे को 2 महीने का समर वैकेशन मिला, मैं उसमें मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया सी प्रोग्रामिंग का। तो वहाँ पे मैंने बेसिक प्रोग्राम्स जो बनवाते थे, शीट्स वगैरह देते थे वो लोग और बेसिक पैटर्न्स वाले, तो मैं वही सब करता था और उसमें मैं मतलब खुश था। मेरे को लगता था कि इतना ही होता है या इतना ही ठीक है। फिर सेकेंड ईयर पे ऐसे ही चला, मैंने सब्जेक्ट्स भी पढ़े जो भी कोर सब्जेक्ट थे। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर के एंड में मुझे किसी ने बताया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसी कोई चीज़ होती है लोग को, कुछ मेरे दोस्त वगैरह करते थे कोड शेफ, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसा होता है। तो मेरे दोस्त बोले थे कि तू भी ट्राई कर, मैंने बोला ठीक है। तो मैंने ऐसे एक क्वेश्चन ऑफलाइन सेव कर लिया था अपने पास और मैं उसको ट्राई कर रहा था अपने IDE पे बनाने का। तो मैंने मेरे हिसाब से जैसे मैं पहले नॉर्मल कोड बनाता था मैंने वैसे बना दिया उसको और आंसर आ रहा था। तो फिर मुझसे जब मैंने दिखाया कि यार ये ऐसे मैंने कर दिया है मेरे से तो हो गया, तो मेरे दोस्त बता रहे थे कि नहीं इसमें तो मतलब ऐसा प्रॉपर फॉर्मेट में इनपुट लेते हैं और ऐसे आउटपुट आना चाहिए स्पेस सेपरेटेड या ऐसे।
तो मेरे को लगा यार ये तो बड़ा झंझट वाला चीज़ है, मतलब इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं इन्वॉल्व हैं, ये तो मतलब वो चीज़ मैं कर रहा था वो ज़्यादा सिंपल थी, ये थोड़ी सी अजीब सी है। फिर चलो मैंने वैसे भी कर दिया था, फिर अजीब अजीब तरीके के एरर्स आने लग गए TLE NZDC इन सब पे, तो मैंने बोला ये तो बेकार चीज़ है, जो कर रहा था मैं तो वही खुश हूँ उसमें, मैं वही करूँगा। फिर लेकिन जैसे जैसे थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर का एंड हुआ, फिर मुझे समझ में तो आने लग गया था कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के परस्पेक्टिव से, प्लस अपनी लर्निंग से और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने उस चीज़ को हटा के मैंने फिर से स्टार्ट किया करना बेसिक प्लेटफॉर्म से, मैंने हैकर अर्थ हैकर रैंक से स्टार्ट करी इतनी कोडिंग, और मैं एरेज और स्ट्रिंग्स मतलब एक प्रॉपर मैंने चालू किया, तब भी मैं बेसिक प्रॉब्लम से कोड कर पा रहा था, ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स मेरे को तब भी नहीं आते थे, लिंक्ड लिस्ट इस हमेशा से डर लगा मेरे को, लिंक्ड लिस्ट से पॉइंटर्स ये सब टॉपिक्स, तो मैंने सिर्फ एरेज और स्ट्रिंग ही करता था। उसके बाद फिर कॉलेज का प्लेसमेंट आया, तो फिर मुझे याद है कि मैं TCS में भी रिजेक्ट हो गया था, तो अच्छा। वो बहुत बुरा दिन था कि मतलब ऑलमोस्ट सारा कॉलेज प्लेस हो गया बट मैं उस कंपनी में रिजेक्ट हो गया, हमें टेस्टिंग क्लियर कर पाया था उसका। कब था ये, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग ये में? हाँ फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में जब आने लगी थी कंपनी, तो TCS आई थी। सो बेसिकली दैट सॉर्ट ऑफ मींस कि हमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम थोड़ी बहुत ट्राई करी, बट पहले 3 साल में हमारी प्रोग्रामिंग तो काफी वीक ही थी, है ना, हमने कुछ वगैरह किया। हाँ वीक ही थी। ओवरऑल कल्चर कैसा था कॉलेज के लिए? कॉलेज के अंदर सीनियर से तो मेरा तक इंटरेक्शन था नहीं सही बताऊँ तो, और कॉलेज में तो क्राउड ही थी ज़्यादा, कुछ लोग करते थे बट उनसे भी मेरा इतना नहीं था इंटरेक्शन, मैं मेरे ग्रुप में रहता था तो वहाँ तो मेरे को बेसिक आती थी एंड मैं उसमें खुश था, लेकिन मेरे को डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं आते थे। तो उसके बाद फिर TCS भी मेरा नहीं निकला, मेरे को उस दिन बहुत बुरा लगा कि मैं मतलब ऐसी कंपनी में ऑलमोस्ट सारा कॉलेज प्लेस हुआ है पर मैं रह गया। फिर धीरे धीरे लेकिन एंड तक फोर्थ ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ तो मेरे को 2 ऑफर्स थे, और इन 8 सेमेस्टर लाइक हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप का कल्चर है कि आप 8 सेमेस्टर आप इंटर्नशिप कर लो पूरा, तो फिर जिसमें मुझे इंटर्नशिप ऑफर हुई थी मैं वहाँ चला गया इंटर्नशिप करने, फिर 6 मंथ्स मैंने वहाँ इंटर्नशिप करी एंड वहाँ पर फिर उसके बाद फिर मैंने वो इंटर्नशिप कंप्लीट करके मुझे PPO ऑफर हुआ था बट आई डिडंट जॉइन देयर, फिर वहाँ पर मुझे फिर मैंने नहीं बताओ 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 तो फिर बस वहाँ पे मैंने मेरे से लगा कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कोई और जो ज्वाइन करूँगा, तो आई लेफ्ट मतलब इंटर्नशिप के बाद मैंने कंप्लीट करके छोड़ दिया एंड देन फिर वहाँ के बाद फिर कोविड एकदम पीक पे था उस टाइम, जो अभी रुक जाता महीना था। अब मुझे थोड़ा सा बताओ यहाँ पर दोबारा से कि हमारी एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप लगी, हमने 6 महीने काम किया वहाँ पे एंड हमारे पास एक और ऑफर था राइट, वो हमने रिजेक्ट कर दिया दूसरा ऑफर। वो हाँ वो तो उसमें ना सर 2 ईयर बॉन्ड था और वो उसका CTC भी बहुत कम था। अच्छा अच्छा सो मोस्टली पूरा कॉलेज इंटर्नशिप लेने दे रही थी। अच्छा मोस्टली पूरा कॉलेज 200 कुछ बच्चे TCS में चले जाते हैं, हमारे 400 कुछ बच्चों में से आधे TCS ले जाती है। अच्छा सही है काफ़ी आई कैन इमेजिन काफ़ी सैड होगा राइट, लाइक कि अगर 50% बैच का हो गया और मेरा नहीं हो पा रहा है। मैं रोया था उस दिन, मैं लिटरली रोया था उस दिन कि ऐसा मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा था, पर ठीक है मतलब एक की कॉन्फिडेंस तो था अंदर से कि कर ही लूँगा कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, तो वो मैं करता गया। इसलिए क्या प्रोसेस था TCS का, क्यों नहीं हुआ था हमारा, हमें थोड़ी बहुत कोडिंग तो आती थी। मेरा जो टेस्ट होता है ना नेशनल क्वालिफायर टेस्ट उनका, मेरा वही टेस्ट ही नहीं निकला था तो मैं इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंचा था। अच्छा अच्छा जो NQT होता है उनका। हाँ वही नहीं क्लियर हुआ था कॉलेज में मुझसे। क्या क्या कुछ में एप्टीट्यूड वर्बल रीजनिंग और प्रोग्रामिंग आती है, मतलब चारों ही आता है। एंड जो हमने स्टार्टअप में इंटर्नशिप की थी ये इसका एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ वाज द इंटर्नशिप लाइक? इसका अच्छा था, इंटरव्यूज भी अच्छे थे, मतलब उस टाइम फिर बहुत सारे लोग ये स्टार्टअप में जाना चाहते थे क्योंकि ये 4.5 ऑफर कर रही थी एंड प्लस इंटर्नशिप भी ऑफर कर रही थी, और इंटर्नशिप वाली कंपनी बहुत कम थी कॉलेज में जो इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम ऑफर करे। तो फिर तुमने रिजेक्ट क्यों कर दिया इस कंपनी को, तुमने यहाँ पर फुल टाइम क्यों नहीं किया? यहाँ पर ना बेसिकली वो सपोर्ट वाला काम था वहाँ, ज़्यादा डेवलपमेंट इतना नहीं था। हाँ उसमें से कंसल्टेंट्स मिल जाते थे तुमको तो सपोर्ट करना रहता था, तो मुझे वो काम जमा नहीं, तो मैंने सोचा कि ठीक है इंटर्नशिप करते हैं और अपना एक मतलब देखते हैं फिर कहीं और। सो हमारी ये इंटर्नशिप लग गई थी, हमने 6 महीने यहाँ पे काम किया राइट, लाइक हमें मज़ा नहीं आया, हमने जाके कि खुद से कुछ और ऑप्शन ढूंढते हैं। सो फिर कैसा रहा जर्नी राइट, लाइक तो आई थिंक तुम जुलाई 2020 में तुम ग्रेजुएट हुए थे, तो उसके बाद कैसा रहा ये पूरा प्रोसेस?
तो फिर तो मेरे को लगा कि देखते हैं कुछ और ऑप्शन, बट दैट टाइम वॉज कोविड वॉज ऑन पीक एंड एकदम से सडनली मुझे हायरिंग बंद हो गई. मतलब मैं कहीं पर नहीं देख पा रहा था कि फ्रेशर्स की हायरिंग हो रही है. मैंने जितने भी जॉब रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स होते हैं एमकेट कोक्यूब्स ई लिटमस मैंने सारे दे दिए थे एंड कोक्यूब्स और एमकेट में मेरा अच्छा स्कोर भी था. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मतलब कि किसी मतलब शॉर्ट लिस्ट हूँ, लेकिन वहाँ से भी ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था. एंड देन इवन मुझे याद है कि मेरी मतलब ऐसी हालत आ गई थी कि मैं 1.8 LP की कंपनी तक में मैंने अप्लाई करा था एमकेट से एंड आई डिडंट, वहाँ से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था. उसके बाद हाँ मैं अपनी तैयारी करता रहा. कॉलेज में मेरा मेजर प्रोजेक्ट शो केस था तो मैंने उस पर भी मेहनत करी, मतलब बनाया शो करा और अपना प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग की डेवलपमेंट अपना कंटिन्यू रखा. ठीक है. उसके बाद फिर मुझे फिर इंटरव्यूज कॉल आने लग गए और इन इंटरव्यूज कॉल में आई गॉट सिलेक्टेड इनटू एमडॉक्स एंड आई जॉइन देयर. और कहाँ पर कहीं और से भी था क्या ऑफर हमारे पास ऑफर? हाँ, एमडॉक्स जॉइन किया एक एमडॉक्स के बाद फिर एक्सेंचर से आया था और उससे पहले एमडॉक्स के साथ में ना एक स्टार्टअप का था और उसकी भी अलग ही जर्नी है. मैं वहाँ तक गया था पुणे तक ऑफर लेने के लिए बट उन्होंने फिर CTC कम कर दी और मुझे बताया नहीं. मैं वहाँ पहुँच गया तब पता चला तो मैं खा लिया था वापस, मैं नहीं लिया. तब भी मेरा जॉब नहीं थी, मतलब मेरे को लग रहा था कि ले लो क्योंकि सामने जॉब रखी है बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को पता था कि मतलब मैं इतना नहीं डिजर्व करता, मैं इतना कर लूँगा. तो मैंने छोड़ दिया वहाँ से. मैंने कहा ठीक है जो होगा देखेंगे. एमडॉक्स में हो गया फिर तो ज्वाइन कर लिया. उसके बाद लेकिन मन में तो था ही कि जाना था, मतलब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है अच्छी. फिर पेपाल का रिक्रूटमेंट आया, आई अप्लाइड इट एंड मुझे फिर टेस्ट आया. टेस्ट वगैरह क्लियर हो गया मेरा. मेरे चार राउंड्स हुए थे पेपाल में. मेरे चार तक मैं पहुंचा था एंड लास्ट राउंड के बाद जो HR होता है उसके बाद मुझे रिजेक्शन मेल आ गया था वहाँ से. अच्छा. वो थोड़ा सा बुरा लगा था कि मतलब इतना लास्ट तक जाके अगर रिजेक्शन मेल आ जाता है. फिर एशियन पेंट्स में भी ऑफर हुआ था एंड आई वॉज अबाउट टू ज्वाइन, लेकिन फिर RCCM का प्रोसेस मतलब HR आ गया था उस टाइम तक. तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैंने ज्वाइन नहीं किया एशियन पेंट्स. मैंने बोला ठीक है इसका देख लेंगे, इसमें हो गया तो फिर RCCM ज्वाइन कर लेंगे. तो फिर आफ्टर 20 डेज मुझे मतलब HR के बाद RCCM की मुझे कंफर्मेशन आ गई थी वहाँ से. तो फिर हो गया था तो मैंने ज्वाइन कर लिया. सही है. सो तुमने शुरू में बोला कि तुमने कोडिंग निंजा से कुछ कोई कोर्स किया है, लेकिन ये आपने कब किया था? ये कॉलेज में किया था या जैसे मेरे कॉलेज में तो मुझे पता रहता ना, तो मतलब पहले से बहुत कुछ अच्छा हो गया होता. कॉलेज में तो मेरे को मालूम ही नहीं था लिटरली. GSOC तक का मेरे को कॉलेज के बाद पता चला. तो बहुत सारी चीज़ों का मैं अवेयर ही नहीं था. LinkedIn भी मेरा फोर्थ ईयर में स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी गलतियाँ करी हैं मैंने. लेकिन फिर भी जब मुझे पता चला कि हाँ इसमें है, क्योंकि कोर्स बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड था बेसिकली और एक ऐसा ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स मुझे चाहिए था कि मतलब जिसमें मैं एक स्टेप बाय स्टेप समझ सकूँ, चीज़ें सीख सकूँ. और तो फिर जैसे मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी एंड उसी टाइम के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था, जून जुलाई से स्टार्ट कर दिया था. एंड फिर वहाँ से मेरी जो जिन टॉपिक्स के मुझे कॉलेज में डर लगता था, जिन चीज़ों से मैं डरता था, लिंक्ड लिस्ट और ट्रीज वगैरह, तो वो सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए, डर निकला एंड आई वॉज एबल टू कोड देम. मुझे बहुत खुशी हुई एंड वो रियली हेल्प किया मेरे को RCCM के इंटरव्यू में और पेपाल के इंटरव्यू में. Sure. इवन लास्ट तक पहुंचने में बहुत हेल्प किया. नहीं वही है ना, मतलब लाइक दीज आर नॉट दैट लाइक. सो फॉर एग्जांपल आई वाज जस्ट थिंकिंग कि तुमने बोला थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में तो आती नहीं थी प्रोग्रामिंग एंड हमने बेसिकली उसके बाद 6-8 महीने के अंदर ही हम पेपाल में फाइनल राउंड में जा रहे हैं. RCCM छोड़ दिया हमने तो ऑब्वियसली हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं राइट. लाइक हमने काफ़ी कुछ सीखा है ना उस 6-8 महीने के अंदर. हाँ बिल्कुल वो 6-8 महीने पूरा इन्वेस्ट करा है ना अपन ने. उस समय कुछ था नहीं और टाइम ऐसा चल रहा था, लेकिन भरोसा था कि कर लेंगे तो वो कंटिन्यू रखी अपनी जर्नी. ये बहुत ज़रूरी है दैट वी आर एबल टू सॉर्ट ऑफ यू सॉर्ट ऑफ हैड दिस कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि यार हो तो जाएगा, बस लगे रहो, मेहनत करो, हो जाएगा. है वो कॉन्फिडेंस जरूरी है. बिल्कुल सही है. बहुत ही बढ़िया यार. सीम्स लाइक आई कैन सी राइट लाइक कि तुमने कितना स्ट्रगल किया है, लाइक कितना पेन है जब भी तुम बता रहे हो कि यार कहीं से भी नहीं आ रहा. एंड लाइक द फैक्ट दैट समबडी डूइंग अ बीटेक एंड लाइक उसके बाद प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत सीखने के बाद भी 1.8 LPM अप्लाई कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली वी आर लाइक इन अ वेरी डेस्परेट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. मैं वही ना 4.5 से मैं 1.8 पे आ गया था एक साल बाद. मेरे को बहुत बुरा लगता था अंदर ही अंदर कि मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा. बट ठीक है, मतलब आई केप्ट ऑन कि नहीं हो जाएगा.
नहीं यार मस्त है, बताओ 4.5 की कहाँ बात कर रहे थे, आई एम श्योर अब हम 15-20 की बात कर रहे होंगे, ज़्यादा की बात कर रहे होंगे, तो एग्जैक्ट नंबर पे मत जा नहीं जाते, बट आई एम श्योर लाइक अब तो हम बहुत बड़े नंबर की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही सही है। सो एंड अब तो कोई लिमिट ही नहीं है राइट, लाइक अब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से कॉलेज से थे, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारे पास जो तुम्हें एक वो ब्रांड चाहिए था वो तुम्हारे पास अब आ गया है, और अब तुम बेसिकली अच्छा काम करते रहोगे तो तुम ग्रो करते रहोगे, उसमें कोई लिमिट नहीं है राइट। सही है यार, बहुत ही बढ़िया चिराग, बहुत मजा आया मुझे तुमसे बात करके, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आफ्टर ऑल दी स्ट्रगल राइट लाइक हम पहुंच गए जहां पे हम पहुंचना चाहते थे, एंड आई रियली होप दैट समडे कोई नहीं होगा इंडिया के अंदर जो कॉलेज से निकल रहा होगा और बोलेगा कि यार मेरे को पता ही नहीं था जीसॉक क्या होता है, मेरे को पता ही नहीं था डेटा एक्सेस कैसे सीखना है, मुझे पता ही नहीं था सीपी क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था कि कंपनीज कैसे हायर करती हैं। आई रियली होप दैट ऐसा होना बंद हो जाए, हर किसी को पता हो कि क्या करना है, तुम नहीं करना चाहते उसके बाद भी तुम्हें जिंदगी में चिल मार रहा है तो बिल्कुल मारो, कोई फाइट नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव ऑल दी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू ताकि तुम सीख पाओ राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अवेयर, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुट एन एफर्ट टू एक्चुअली लर्न टू गेट द राइट स्किल्स, एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव विद अस टुडे चिराग, कि यार पहले क्या पाप किए हैं, पहले क्या काम नहीं किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 6-8 महीने भी अगर हम डेडिकेटेडली एफर्ट मार लें, हम डेडिकेटेडली सीख लें, तो हमें कुछ कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, हमें बेस्ट चीजें मिल सकती हैं हमारे लिए। सो रियली रियली हैप्पी टू हेयर योर जर्नी चिराग, रियली रियली इंस्पिरेशनल, आई थिंक बस हार नहीं माननी है एंड फाइट मारते रहना है, दैट इज बेसिकली द मोरल ऑफ द स्टोरी फॉर मी फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू। थैंक यू सर, मेरा बस यही कहना उन लोगों को जो कॉलेज में कि वो मतलब जो मैंने गलतियाँ करी है वो एटलीस्ट ना करें, लिंक्डइन वगैरह शुरू से ही स्टार्ट कर दें, इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है, इंटर्नशिप से पीपीओ लेना इस फिर भी आसान है कंपेयर टू फुल टाइम पूरा क्रैक करना, तो आप लोग मतलब जो लोग भी कर रहे हैं वो जीसॉक वगैरह से पहले से अवेयर रहें, और मतलब 4 साल बहुत होते हैं, मतलब ये मैंने समझ गया 4 साल इज़ मोर देन इनफ, आप डेवलपमेंट कोडिंग आराम से बैलेंस कर सकते हो चीज़ें, कोई फाइट नहीं है, मतलब बहुत इजीली कॉलेज के बाद आप निकलोगे ना तो आपको चीज़ें सीखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि यार मुझे 10 दिन मिल जाए मैं ये चीज़ मतलब पढ़ लूँगा, और आपको फिर लगेगा कि 4 साल थे कॉलेज में मेरे पास, मैंने क्या किया उसमें, तो वो चीज़ मतलब मैं नहीं चाहता कि इसलिए मैं मतलब बता रहा हूँ अपने बारे में कि एटलीस्ट कि कोई भी स्टार्टिंग से ही लोग अवेयर रहो और बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से 4 साल अगर जितने मतलब थोड़ा प्लानिंग से कर लिया ना बिल्कुल। एंड द रियलिटी इज कि ऐसा नहीं है कि 4 साल चिल नहीं मार सकते, कॉलेज लाइफ को पूरा इंजॉय कर पाओगे, बस सही अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पर भी देते रहो, अपने स्किल्स पे देते रहो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें 4 साल सिर्फ पढ़ाई करनी है, तुम्हें सिर्फ कोडिंग करनी है तब जाके अच्छी जॉब मिलेगी, मैं बता रहा हूँ जितना चिल मार सकते हो उतना चिल मारोगे, हो सकता है बस मैं तुम्हें बोलूंगा यार हफ्ते के अंदर जो 10-11 घंटे अकेले बैठ के कोई सीरीज देख रहे हो उसको 10-11 घंटे मत देखो यार, 2-3 घंटे देख लो, 7-8 घंटे निकाल दो बस, अगर तुम इतना भी निकाल दोगे ना कंसिस्टेंटली फॉर दीज 4 ईयर्स कोई फाइट नहीं होगी, बढ़िया जगह पे पहुंच जाओगे, बस एक कंसिस्टेंसी है जो कि हमें मेंटेन करके रखनी है। हाँ वो 4 साल की प्रॉपर प्लानिंग कर लेना किसी ने उसको कोई नहीं रोक सकता पढ़ने से, मेरा एक्सपीरियंस है। सही है सही है, थैंक यू सो मच चिराग, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड कब ज्वाइन कर रहे हो तुम आज सीजन या कर चुके हो? मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, मेरे 9 अगस्त से ज्वाइनिंग हो गई। सही है, मजा आ रहा है यहाँ पे, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे लोग, चलो बहुत ही बढ़िया, चलो जी थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड थैंक यू, सबको बहुत मजा आया, चलो जी थैंक यू सर।